स्वागत है आप सभी का इस तीज के व्लॉग में। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि अमेरिका में भी कितने धूमधाम से तीज पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है, मंदिर में कितने लोग आते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। पर उससे पहले मैं बता दूं कि दिन की शुरुआत हुई ऑफिस के साथ। आज वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं मैं, तो सामने का जो आपको नज़ारा दिख रहा है मेरे वर्क फ्रॉम होम का सेटअप है। 3 दिन मैं ऑफिस जाती हूं। आज थोड़ा जल्दी काम निपटाना होगा क्योंकि शाम को मंदिर जाना है। ये बैंगल्स भी निकाल लिया है। डू यू लाइक माई बैंगल्स स्वीट हार्ट? डू लाइक इट? ओके। ग्रीन साड़ी पहनेगी मम्मा? शर्ट नहीं बेटा, वी आर गोइंग टू टेम्पल, पूजा करने जा रहे हैं, राइट? शर्ट नहीं, वहाँ शर्ट नहीं पहनेगी मम्मा, साड़ी पहनेगी। शर्ट नहीं। तो गाइस हमारा सो के उठ गई है और मैं भी रेडी हो रही हूँ, एंड अब हमारा को रेडी करूँगी। ज्वेलरीज मैंने थोड़े यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं, एंड ये ग्रीन साड़ी मैं यहाँ पहनने वाली हूँ। तीज के दिन ग्रीन पहनने का ट्राई करती हूँ, तो मम्मी लेके आई थी इंडिया से तो सोचा ग्रीन पहन ले। हमारा पैंट बोल रही है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि नीचे शॉर्ट्स या हाफ पैंट या ऐसा कुछ पहने, तो पैंट बोल रही है। अभी वीडियो में शांत हो गई है और देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं ये छोटा सा लहंगा इसके लिए ली थी पहनाने के लिए। पहनाएंगे बेटू, यू लुकिंग सो प्रीटी स्वीट हार्ट। नोजी, ओके, आई विल क्लीन योर नोजी, कम हियर। प्लेट्स बनाने में मुझे अमोद की बहुत ज्यादा हेल्प लगती है, और अभी ये पीछे वाला भी। साड़ी खुद से पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग रेडी है, मैंने अभी नथिया एंड मांग टीका भी पहन लिया है, एंड ये रही मेरी क्यूटू बेटू। वेर आर वी गोइंग बेटा? कॉस्को? नहीं, टेम्पल। टेम्पल नो, इसको तो हमेशा कॉस्को ही जाना रहता है अमायरा को। वी आर गोइंग टू टेम्पल, ओके, लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम लोग बस निकलने वाले हैं। पूजा की थाली एंड फ्रूट्स रेडी है, बस रखना है कार में। पूजा की थाली में घी थोड़ा रखना था गाइस, घी रख लिया। दिया बना लिया है मैंने यहीं से, ताकि वहाँ गिरे ना। साड़ी पहन के गाइस बहुत दिक्कत होती है। गाइस हम लोग निकल गए हैं टेंपल के लिए, एंड यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि जो मंदिर है कैसा होता है और कितने सारे लोग ये तीज पूजा करते हैं। इंडिया में ये जो तीज होती है ये मेनली बिहारी लोग ही करते हैं, बिहार एंड यूपी के लोग करते हैं, बट यहाँ टेम्पल में आपको इतने सारे लोग दिखेंगे करते हुए, इतनी महिलाएं, इतनी लेडीज करती हैं। तो वो नेपाल के भी कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो तीज पूजा करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर बिहार से काफी मिलता जुलता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको अंदर का माहौल। वेयर आर वी गोइंग बेटा? टेम्पल। ओके, वहाँ क्या है टेम्पल में, कौन है? डॉगी लेके अंकल जा रहे हैं। मैं तो अभी निर्जला व्रत है, पानी नहीं पिया है। अमोद ने भी कोशिश अपनी की निर्जला व्रत की। नहीं, तो फलहार पे है। कितना बनाना खाए? कितना बनाना खाए? तू बनाना खा के बिल्कुल टंच है। होपफुली ट्रैफिक आज ना मिले गाइस, ताकि जल्दी पहुंच जाए हम लोग। इधर है टेम्पल, देखते हैं पार्किंग में कितनी भीड़ है। सामने वो जैन टेम्पल। बाबू, वेयर आर वी? साड़ी ठीक कर लेती हूँ इसको। बाय द वे गाइस, यहाँ अमेरिका में जो तीज पूजा थी वो एक दिन पहले हो गई। जो पंडित जी थे टेंपल में, उन्होंने पहले से तीज पूजा एक दिन पहले यानी कि थर्सडे इवनिंग यूएस के शेड्यूल किया हुआ था, जो कि इंडिया का फ्राइडे मॉर्निंग टाइम था। उन्होंने अपना टाइम वगैरह देखा था, उसके हिसाब से बताया था कि यूएस में थर्सडे को तीज करना चाहिए, तो इसीलिए एक दिन पहले ही सबने यहाँ तीज किया। पूजा 3:30 बजे के अराउंड शुरू हो गई थी, बट ऑफिस के काम की वजह से मैं थोड़ा लेट पहुंची 4 बजे के अराउंड। और अभी सब लोग दूध चढ़ाएंगे शिवलिंग पे, एंड उसके बाद जो एक्चुअल कथा है तीज का वो पंडित जी सुनाएंगे। और अमायरा को देखिए मस्त एंजॉय कर रही है अपना टेंपल में। बाय द वे एक इन्फॉर्मेटिव बात बताती हूँ गाइस, तो अगर आप सबको यूएस का वीजा चाहिए, एंड आप सब अगर इनका एक रिलीजियस कैटेगरी होता है अलग से, तो जो भी पंडित हैं यहाँ अमेरिका में हिंदू टेंपल या दूसरे किसी भी जैन टेंपल ये सब में, उनके लिए एक अलग वीजा होता है, तो आप सब वो अप्लाई कर सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं। हमारा पूरे पूजा में बहुत कोऑपरेट किया, पूरे टाइम हाथ जोड़ के बैठी थी टेंपल में। अमेरिका में जो भी बच्चे होते हैं उनको टेंपल वगैरह ले जाना काफ़ी अच्छा होता है, ताकि
बच्चे सीखें बचपन से ही और अपने कल्चर को ना भूलें। कथा समाप्त हो गई गाइज, एंड अभी आरती का वक्त है। एंड रेड सारीज में ग्रीन कलर का ये जो माला टाइप का पहने हुए जिन भी औरतों को आप देख रहे हो, ये मोस्टली नेपालीज हैं, तो काफी सारे नेपालीज भी तीज पूजा करते हैं। आप में से किन किन के घरों में तीज पूजा होती है नीचे कमेंट जरूर करना। अगर नहीं भी होती है तो आप किस गांव से हो, किस शहर से हो और क्या काम करते हो, ये नीचे कमेंट करके बताना, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहां कहां से मुझे देख रहे हैं और उनके लिए मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं ताकि आप सबकी मदद हो। तो गाइस अभी घर आ गए हैं और मैं बस खोल रही हूँ अपनी ज्वेलरीज वगैरह, एंड साड़ी पहन के कंफर्टेबल आप नहीं रह सकते हो और वो भी इतनी हैवी साड़ी, तो फटाफट चेंज करती हूँ। और गाइज एक अपडेट, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुझे रीच आउट करते रहते हैं, यूट्यूब पे भी इनफैक्ट, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली 50 लाख इन वन मंथ का चैलेंज शुरू किया था, जिसमें मैं अमेजोन का जो बिजनेस है दिखाया था आप लोगों को, सेल्स उसका, हर रोज के सेल्स मैंने आपको दिखाए हैं लास्ट 30 डेज के, एंड 50 लाख तो नहीं बट 46 लाख हो गए थे लास्ट 30 डेज में मेरे अमेजोन बिजनेस का सेल का टोटल। आप सब भी अगर ये बिजनेस सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं इस बिजनेस के बारे में पूछने के लिए, जानकारी के लिए, तो आप सब मेरे Amazon ऑनलाइन बिजनेस के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपको जाना है ऑल कोर्सेज के अंदर, एंड जैसे ही आप इनरोल करेंगे विद इन 24 to 48 hours आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। एंड इस कोर्स में मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें बताई है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ करके दिखाई है, एंड Amazon बिजनेस के जितने मॉडल्स हैं हर एक चीज़ के बारे में बता रही हूँ। एंड इट्स एन यूनिवर्सिटी, बेसिकली अमिता यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में फ्यूचर में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, ऑनलाइन आप क्या क्या कर सकते हो अमेरिका के अंदर, दूसरे कंट्री में बैठ करके कैसे पैसे कमा सकते हो अमेरिका के अंदर डॉलर्स में, अपने घर बैठे बैठे बहुत सारे डिफरेंट वेज में आप लोगों को सिखाऊंगी। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया अमेजोन से, आगे काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगी, एंड मैं अपने सेल्स दिखाती रहूंगी बीच बीच में, इंस्टाग्राम पे भी दिखाऊंगी, एंड इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बीच बीच में वीडियोस बनाती रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब भी मोटिवेट हों एंड शुरू करें कुछ, स्पेशली घर में जो भी बैठी हुई हैं लेडीज़ बैठी हुई हैं, या फिर कोई भी, इनफैक्ट अगर आप किसी भी एज ग्रुप पे हैं आप ये बिज़नेस कर सकते हो, भले आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब में हैं, इस बिज़नेस में कोई एज लिमिट नहीं है, आप अपने करंट जो भी आपकी जॉब है या स्टूडेंट हो पढ़ाई है उसके साथ शुरू करें, लर्निंग पे ध्यान दें, प्रोसेस को पूरा सीखें, पूरा बिजनेस सीख जाएं, उसके बाद तो पैसे आप लाखों डॉलर्स तक कमा सकते हो, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे सेल्स मैंने आपको लिटरली रोज के लाइव दिखाई हूँ, रिफ्रेश कर करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना लगे कि कुछ भी फेक है, सब रियल डेटा आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कोई बहुत पहले से नहीं शुरू किया, अभी 6-8 महीने पहले से ये बिजनेस शुरू किया, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइज, और मैंने A to Z हर एक चीज सिखाई इस कोर्स के अंदर, एंड इसका एक्सेस आपको पूरे लाइफ टाइम होगा। ओके, सो अगर आपको सीखना है, कुछ बिजनेस करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, तो इसमें इनरोल करके आप सब मुझसे सीख सकते हो। ऑलराइट गाइस, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।